साहब भी बड़े बैरिस्टर हैं, क्या सोचते हैं? सर हम लोग ऐसी सोच का समर्थन कभी नहीं करते जो देश को विभाजित करे। हमें आवेशी जैसे बाहरी नेताओं की जरूरत नहीं है, हमारे पास आजम खान जैसा बहुत बड़ा चेहरा है। असदुद्दीन ओवैसी, जहाँ भी मैं जाता हूँ उनको रूप पूछता हूँ कि उसको लेकर, क्योंकि वो जिस तरीके से लगातार सवाल उठाता है और लोगों से बात करता हूँ लगातार, जिस तरीके से वो बोलते हैं कि मुस्लिमों को जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं है, वो नहीं मिलता है उनको, तो क्या नेतृत्व नहीं मिलता कि दिलाएंगे हम लोगों को प्रतिनिधित्व? कौन इस पर अगर क्या सोचते हैं आप लोग? उनका कोई मामला ही नहीं बनता है यहाँ, क्योंकि उनका जो भी वो बोलते हैं थोड़ा सा गलत लगेगा, क्योंकि उसको भाजपा बहुत अच्छे से कैश कराती है और वो यही चाहती भी है कि आप बार बार बोलते रहे और हम कैश कराते रहें, हिंदू और मुसलमान को बीच में फाड़ करते रहें, और हम लोग उनके किसी भी बात को ना समझते हैं ना सुनना चाहते हैं। और जैसे वो ये कहते हैं, अभी जब मैं देवबंद में था तो उनके समर्थक कुछ लोग थे वहाँ पर, वो बोले कि जब आजम खान जेल जाते हैं तब अखिलेश यादव उनकी मदद नहीं करते हैं, जब CA NRC का मुद्दा आता है तब अखिलेश यादव वहाँ नहीं जाते हैं, मैं जाता हूँ संसद में, मैं उठाता हूँ ये सब मुद्दे। वो ये कहते हैं मुस्लिमों के जो मुद्दे होते हैं वो कहते हैं मैं उठाता हूँ, तो क्यों नहीं एक केंद्रीय नेतृत्व बने, क्यों नहीं एक ऐसा नेता उनको मिले जो उनके मुद्दे खुल के उठाए? वो ये आरोप लगाते हैं कि नहीं उठा। अखिलेश यादव जी ने NRC और CAA पर मामले पर अपने पूरे कार्यालय में ये लिखवा रखा था बड़े बड़े होर्डिंग में कि नो NRC और नो NCR, जो भी NCR जो भी था ये, तो ये तो सबसे उन्होंने तो पूरी लड़ाई लड़ी इसकी। और रही बात आजम खान साहब की, ये तो उनके भी बेटे आए हैं बाहर अब्दुल्ला साहब, ये तो साफ साफ बोल रहे हैं कि पूरी मदद की मेरी, तो जब जो बेटा बोल रहा है हम लोग उसको सच मानेंगे कि असद ओवैसी साहब को सच मानेंगे? अब आप ही ये बताइए। नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज खान। क्या करते सर? लॉ का स्टूडेंट था, अभी लॉ कम्प्लीट हुआ मेरा। ओवैसी साहब भी बड़े बैरिस्टर हैं, क्या सोचते हैं? सर हम लोग ऐसी सोच का समर्थन कभी नहीं करते जो देश को विभाजित करें। उनका बयान भी उसी तरह से आता है जैसे भाजपा के नेताओं का आता है, आप उनका कोई भी बयान देख लीजिए उस पर एकता वाला बयान कहीं आपको नहीं दिखेगा। जैसे भाजपा बयान देती है एक दूसरे को बांटने का, वही काम वो भी करते हैं, तो हम लोग ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते सर। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, हमें आवेशी जैसे बाहरी नेताओं की जरूरत नहीं है, हमारे पास आजम खान जैसा बहुत बड़ा चेहरा है। देखिए आजम खान पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं ना, जिस तरीके के आरोप लगे हैं कि उन्होंने ज़मीनें कब्जा ली, उनके पास और तमाम मुकदमे हैं, वो जेल में हैं, उनको ठीक मानते हैं? देखिए एक चीज़ बताएं, जैसे एक अभी मीडिया के साथी दिखा रहे थे, शायद कौन सा चैनल था याद नहीं आ रहा है, लल्लन टॉप था कि कौन सा चैनल था, अभी ये दिमाग में एकदम नहीं है, कि वो रामपुर जाते हैं और रामपुर जाते जाते जब रामपुर पहुँचते हैं चुनाव में, तो पहुँच जाते हैं रामपुर चाकू वाले के यहाँ, तो वहाँ कहा उन्होंने राजू रंजन तो कोई था, उन्होंने कहा कि आज रामपुर की दो चीज़ बहुत फेमस है, एक रामपुर की चाकू की धार और दूसरी आजम खान की जबान की धार। तो हम आपको बताएं, आजम खान साहब ने जितना मुखर होकर मुसलमानों के मुद्दे पर बोला और जितने मामलों पर आजम खान साहब ने बोला, ये उस भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी, घबराहट, बौखलाहट है जो आजम खान साहब के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा गया उनके ऊपर। आप बताइए, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, आप बताइए जिसने ज़मीन कब्जाने के जो मुकदमे हैं वो तो वहीं के किसानों ने लिखवाए हैं, और उन किसानों में मुसलमान भी हैं, ऐसा नहीं कि वो वसीम रिजवी भी तो मुसलमान हैं, हम कहा कह रहे हैं मुसलमान नहीं हैं, जयचंद तो हर समाज में पैदा हुए हैं दौर दौर में समय समय पर, तो आप उसकी नहीं मानेंगे आजम खान के खिलाफ जो मुकदमे हैं? बता रहे हैं ना आपको, देखिए एक चीज़ बता दें, जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो यूनिवर्सिटी को पास करने में राज्यपाल जी या जो भी संस्थाएं या जो भी मशीनरियां उसको परमिशन देती हैं, सारे कागज़ कंप्लीट करके सारी चीज़ों की जांच होकर तब यूनिवर्सिटी पास हुई। आप ये नहीं देखते कि उस यूनिवर्सिटी में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं? आप ये नहीं देखते कि एक बुनियादी काम जो इस देश प्रदेश के अंदर हर समाज के लिए होना चाहिए, शिक्षा, हमारे परिवार जैसे पिछड़े दलित समाज के लोग या अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम बात कर रहा हूँ, मुसलमान मेरे दो तीन पुस्त पीछे जाइएगा तो कोई नहीं शिक्षित था, तो अगर एक परिवार का एक मेंबर शिक्षित हो जाता है तो उस पूरे परिवार की खानदान की शक्ल बदल जाती है, नवैयत बदल जाती है। और आजम खान साहब ने ये जो कलम पकड़ाने का काम नौजवानों को किया है ना, यही भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा खली है, क्योंकि मुसलमानों को कलम पकड़ाने का काम आपने किया, आप मुसलमानों को तलवार पकड़ाने का काम की सोच रखते हो और आजम खान साहब मुसलमानों को कलम पकड़ाने की बात करते हैं। पकड़ाने की सोच कौन रखता है?
भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो भड़काते हैं कि दंगा कराते हैं कि तलवार उठाओ और दंगे करो। भाई दंगा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ वो कहते हैं कि भाई हमारी सरकार है, दंगा नहीं हुआ। हाँ, समाजवादी पार्टी सरकार थी तो दंगे हो रहे थे। दंगे कराने वाले चोर के हाथ में जब आप तिजोरी की चाबी दे देंगे तो कभी वहां से चोरी नहीं होती है। ये मैं नहीं, ये इतिहास कह रहा है। शुरू से मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास कितने आपराधिक मुकदमे, कितने आपराधिक मुकदमे हैं आप समझ लीजिए। हमको खुल के न बुलवाइए भैया। जब उनके ऊपर आजम साहब के ऊपर बकरी चोरी और किताब चोरी, पत्रकारों को और डॉक्टरों को, तो हम छोटे से व्यापारी हैं। आप समझिए चीज़ों को। दंगा कराने वाले ही सरकार में बैठे तो दंगा कैसा है।